सारे भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब और इसमें कॉफी विद मी न्यूज में। कैसे हैं आप? अरे आई एम फाइन। भैया ये गाना 4 नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है और 1 day 6 million करोड़ हो गया, क्या कहना चाहेंगे? 1 नंबर म्यूजिक सेक्शन में है यार, पता करो। नहीं, एक नंबर म्यूजिक सेक्शन पे भी है और उसमें 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और इसका टीजर भी काफी टाइम तक ट्रेंडिंग लिस्ट, मोशन पोस्टर भी था। तो ये भोजपुरी भाषा ट्रेंड कर रहा है। खेसारी लाल यादव 30 मार खान नहीं है, खेसारी लाल यादव एक आर्टिस्ट है और लोगों का प्यार है, लोगों का बेटा है, लोगों का सम्मान है और भोजपुरी भाषा को हम सबको कोशिश करना चाहिए। आज 1 नंबर नहीं, दुनिया के हर ट्रेंड में हमारा भाषा होना चाहिए। वो खेसारी हो चाहे भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन 1 नंबर है 2 नंबर में, नहीं, हमारा भाषा कितने नंबर पे है उसका मायने रखना चाहिए। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लड़ना बंद करिए किसी एक दूसरे को, आपस के ही लोगों को, अपने ही बेटा को आप नीचा दिखाते हो, अपने ही बेटा को भला बुरा बोलते हो, ये सब जिस दिन हट जाएगा ना उस दिन अश्लीलता भी हट जाएगा। कुछ लोग चैनल चलाने के लिए अश्लीलता भैया, जब तक यूट्यूब नहीं था तब अश्लीलता नहीं था, कोशिश करिए अच्छी चीजों को। अच्छा खेसारी भैया, सारे गामा हम भोजपुरी जो है हमेशा से चाहती है कि हम अपने ऑडियंस को एकदम अच्छे लेवल का और एकदम अलग हमेशा यूनिक लाने की कोशिश करती है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बधाई देना चाहेंगे उन टीम? जिस दुकान पे अच्छी मिठाई होती है ना भीड़ वहीं लगती है, तो जो अच्छा दुकान है, जो अच्छा मिठाई बेचना चाहता है, जो अच्छे विचारधारा रखते हैं उनके साथ दुनिया जाती है। तो ये धरती पे हर आदमी पे लागू होता है कि आप अपने विचार को, अपने विचारधारा को, अपने संस्कार को परोसिए और हमेशा कोशिश करिए कि आपकी किसी बात से किसी को तकलीफ ना हो। मेहनत करते जाइए, ये मत सोचिए कि फलाना ने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो क्या बोलती है, मेरी सुंदरता पे लड़ती है, सुंदरता से जलती है, नहीं, तुम और सुंदर बनो, सिर्फ वो जल रही है, कोशिश करो कि 10 और जले, कोशिश करिए आप अच्छा करने की। अभी हाल ही में आपका एक लुक जारी हुआ है मशीन गन लेकर के, वो जैसे संघर्ष 2 का पोस्टर है और संघर्ष 2 बहुत बड़े बजट की मूवी है, क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े लेवल के जब ये मूवी आ रही है तो हमारे ऑडियंस को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? लगातार 335 घंटा मैंने सिर्फ जिम किया है उस लुक को लेने के लिए, 335 घंटा मैं नाइट में भी जिम किया हूँ, मैं डे में भी जिम किया हूँ, मैं सुबह भी जिम किया हूँ, शाम को भी जिम किया हूँ, मैंने ऐसी ऐसी, मैंने सिर्फ उस लुक को लेने के लिए मेरे डायरेक्टर का डिमांड था और मुझे लगता है कि आज तक हिंदी में भी वैसा लुक नहीं आया होगा। हम लोगों ने कोशिश की है, हमें किसी को पीछा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। हमने कोशिश की है अपना काम बेहतर करने के लिए, बाकी दुनिया को क्या लगता है अभी कोशिश है हमारी। भैया इस लुक को देख करके ऐसा लगता नहीं कि ये कोई भोजपुरी की मूवी है, ऐसा लगता है कि साउथ की मूवी बन आने वाली है। हर हर वो पोस्टर तुम्हें लगेगा ये कोई भोजपुरी का नहीं है, तुम्हारा भाई बोली तो सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी एक साथ हमारे सिनेमा में देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। दोनों हमारे भोजपुरी भाषा के बेटा हैं, कोशिश करो कि ये दोनों हॉलीवुड से अच्छा काम करें। चलो।